बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से चंद साल पहले मुझे सुलेमान का पैगाम मिला और मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके के मुताबिक सुलेमान सुनी, जिससे मेरे बहुत सारे मसाइल हल हुए। फिर मैंने इस पैगाम को दूसरों तक फैलाना शुरू किया, दूसरों को बताना शुरू किया, और उससे ये हुआ कि मेरे अंदर से जो नाशुक्री की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई और मेरी ज़बान गिले शिकवों से पाक हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये कैफियत मेरी नहीं है, ये यकीन सुलेमान को फैलाने की वजह से ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई और मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह पाक मेरे से बेहतरीन ही मामला फरमाएंगे। और जब दूसरों के दुख सुने तो यूँ लगा कि मेरा तो कोई दुख ही नहीं है। जहाँ मैं पहले आपको अपने आप को बड़ा मजलूम समझता था, मुझे पता चला मैं तो बहुत ही खुशहाल और खुश नसीब इंसान हूँ, और ये सुलेमान फैलाने का फैज़ और बरकत की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आई। आप भी सुलेमान सुने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के मुताबिक और इस पैगाम रहमत को दुखी और सिसकती इंसानियत तक पहुँचे। समात सूरे अर-रहमान के पैगाम को यकसुई से सुने और इसे सिसकती इंसानियत तक पहुँचाएं। सूरे अर-रहमान सुने और इसे फैलाएं।